पापा माँ उका है ना, क्या सृष्टि जी का मटका बनाने का काम पूरा हो गया है, तो उसी खुशी में हम सब पार्टी कर रहे हैं। ये तो मटका लीक कर रहा है, आपके सारे के सारे मटके खराब हैं। तुमको क्या लगता है तुम्हारा चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम अपना राय बदल लेंगे? कुछ ही दिन का बात है, उसके बाद इस घर में वह रहेगा जिसे हम चाहते हैं, समझे? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो हमें हिम्मत दे रही थी और अब खुद कमजोर पड़ गई। हमारा विश्वास करो, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुम सासू माँ का दिल जीत लोगे और ऐसा होते ही तुम्हारे और अनुराग जी के बीच सारी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भरोसा रखो। थैंक यू सृष्टि, तो तुम देखना तुम्हारे ये किराए का ना कुछ जुगाड़ जरूर निकालेंगे हम। सब ठीक होगा। अरे पंडित जी, आपका सैया जी के कुंडली पर पीएचडी करेंगे का? हाँ? अरे इतना घुसने का कौन जरूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं हमरे और हमरे सैया जी का ना 3600 का 72 का 72 गुण मिलता है। गुण नहीं अवगुण मिलता है इस घर में तो ना, जैसे बेमेल जोड़े का बाढ़ आ गया। तो पहले सही था और एक शामिल हो गया है। जेठानी जी, आप भी ना एकदम कमाल करती हैं। अरे हम आपको कितने बार बोले हैं कि हमरे और हमरे सैया जी का जोड़ी ना एकदम अव्वल नंबर जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा निमन जोड़ी है, शेर का लोमड़ी का, बहुत अच्छा है। हमें ना लोमड़ी समझने का भूल मत करना, हम ना शेरनी है शेरनी, कभी भी झपटा मार सकते हैं हम। और हमरे वो जो सैया जी है ना, वो तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। पहला शेर नहीं देखे जेकर मुंह चूहा जैसा। शेर नहीं कहती, कसम से बता रहे हैं, पुराने वाला रागनी सिंह होते ना तो इसको थोप के ना उसके तलिया निकाल के बाहर कुत्ते हैं ना उनको खिला देते हम। शेर नहीं बनेगी। तुम पुरानी रागनी सिंह नहीं हो, इस बात से खुश हो या दुखी? पता नहीं हमें। पांडे काका, चाची जी नमस्ते, कैसे आना हुआ है? ई लो ठकराइन, हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले तीन टांग वाली दौड़ प्रतियोगिता करने जा रहे हैं, जिसमें पति पत्नी जोड़े से ही भाग ले सकते हैं और जिस जोड़े को बेस्ट घोषित किया जाएगा उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। 10,000? काका उका है कि हमारे घर से ना ऐसा कोनो जोड़ा नहीं है जो इस प्रतियोगिता में शामिल हो सके। का बोले आप, कितने का इनाम है विजेता को? 10,000 का बिटिया। का है? तुमको इसमें हिस्सा लेना है का? अनुराग तुम्हारे साथ इस प्रतियोगिता में दौड़ेगा, ऐसा अपना देखना ना बंद करो समझे, और चुपचाप रहो। सृष्टि इधर आओ। काका उका है कि हमारे घर से ना एक को जोड़ा इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। हाँ बाकी हम जो प्रतियोगिता है वो देखने जरूर आ जाए हैं। नमस्ते। अरे ओ काका,
रुकिए, आप दोनों अभी वो जो प्रतियोगिता के बारे में बात किए ना, उस प्रतियोगिता में हमरा और हमारे सैया जी का नाम लिख दीजिए। वैसे हमें पैसे वैसे का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको ये साबित करना चाहते हैं कि इस घर में तो का पूरा गांव में हमरा और हमारे सैया जी का जोड़ी ना सबसे बेस्ट जोड़ी है। हाँ, भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया, जाओ जाके अपना नाम लिखवा दो। लेकिन रागे, लेकिन लेकिन ना, किसी दिन बाद में सोचेंगे, अपना नाम लिखवाओ जाके काका को, चलते जाओ, चलते जाओ, चले जाओ, जाओ, जाओ। जीतने वाले को बेस्ट जोड़ी की ट्रॉफी भी मिलेगी। अच्छा, तो ठीक है, हम सबके सामने साबित कर देंगे, शादी से पहले साबित करेंगे कि हमरा और हमरे सैया जी का जो रिश्ता है ना, बहुत ही मजबूत रिश्ता है। और शादी का डेट तो अब इसके बाद ही, ये जो कंपटीशन है इसके बाद ही तय होगा। अब पंडित जी, आप ऐसा कीजिए, आप 2-3 दिन के बाद ही आइएगा, उसके बाद हम आराम से बैठ के ना शादी का डेट फिक्स करेंगे। हाँ, कंपटीशन जो है उसके बाद डिसाइड होगा ना, तब तक अब जाइए। राम राम। हाँ, काका जी, आप हमारा और हमारे हस्बैंड का नाम भी लिख दीजिए। हम भी पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में। सृष्टि सिंह, विश्वेश सिंह, देख रही हो अब तुम कितनों समझा लो करेगी हमें अपना मन के। जाकर कसरत कीजिए, वो कहा है ना कि हम लोगों ने ना एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और हाँ, उसमें हमें जीतना भी है। आप तो जानते ही हैं कि आपकी रज्जो रानी को हारना बिल्कुल पसंद नहीं, समझे कि नहीं? सब प्रतियोगिता मतलब का जोड़ा में है का? हाँ सैया जी, हमें जीतना है। छोड़िए जोड़ा, ये बताइए इसमें से कौन जोड़ा पसंद आ रहा है का? खरीदवा देंगे आपको हम। हम आपको एक बात कहे ना कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, जाइए जाके कसरत कीजिए। अरे यार, कसरत कितना कसरत करें हम भाई, करते हैं। चाहे जो हो जाए, लेकिन बेस्ट जोड़ी तो हमरा ही बनेगा। ईश्वर जी, हमने आपसे बिना पूछे आपका और हमारा नाम कंपटीशन के लिए दे दिया, गलत किया ना? अब कैसे होगा ये सब? एक मिनट रुकिए सृष्टि जी, जब आपने इस प्रतियोगिता में नाम दे ही दिया है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, और देखिएगा, हमको पूरा विश्वास है कि जीत हमारी होगी। लेकिन कैसे विष्णु जी, हमें तो लगता है कि हम, सृष्टि जी, इस प्रतियोगिता में है ना एक दूसरे के तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ एक दूसरे को मदद करने की भावना की परीक्षा भी होती है, और ये दोनों चीजें है ना हम दोनों के अंदर तो पहले से ही मौजूद है, तो बस हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। एक मिनट, ये वाला, ये वाला, सॉरी वो हम, थैंक यू। चलिए जी, आप सही कह रहे हैं, हमें लगता है अगर हम मिलकर पूरी कोशिश करेंगे तो हम ही जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तने जो से दबाओ दुलरिया, हाँ, तोड़ दोगी का? अपने ना कही हो जोर से दबाने। ससुमिया, आपने हमें बुलाया?
ये हमारा खानदानी हार है। सोचे थे कि हाथों से तुमको पहनाएंगे, कहे कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना, लेकिन तुम्हारा और अनुराग का जो रिश्ता है वो तो बन नहीं पाया। हमें हार नहीं, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप हमें अपना लेंगी तो शायद मिस्टर जी भी हमें, आप जैसा कहेंगी सासू मैया, हम एकदम वैसा ही करेंगे पिरामिस। अच्छा, तो हम ही चाहते हैं, योग्यता है ना, तुम और अनुराग उसमें हिस्सा लो। पर उसमें तो सासू मैया, सृष्टि और देवर जी तो भाग ले ही रहे हैं ना, तो हाँ, तो ऐसा कहीं लिखा तो नहीं ना है कि उस प्रतियोगिता में जो है एक ही घर से दो जोड़ा नहीं जा सकता है? अरे सासू मैया, हम तो भाग ले लेंगे, लेकिन आप तो जानती हैं मिस्टर जी कहाँ हमारे साथ दौड़ेंगे इतना धूप में, और उनको नहीं पसंद ही देसी खेल बेलना। अनुराग को जो है वो हम मना लेंगे। सोचो ना, ये प्रतियोगिता में भाग लेने से ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा और अनुराग के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाए। है? अब क्या करें हम? एक तरफ सासू मैया का आदेश है तो दूसरी तरफ सृष्टि का मजबूरी। 10,000 का इनाम ना सृष्टि के लिए 10,00,000 के बराबर होगा। इस सासू मैया ने भी ना हमें कैसे धर्म संकट में फंसा दिया है। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अच्छा ही ना हमारा आशीर्वाद तो हम दे रहे हैं, मौका ले। ठीक है सासू मैया, हमने आप दोनों से क्या कहा था कि सासू मां का दिल पिघलेगा, और वैसा ही हुआ। अच्छा, अब हमें इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना है। आप दोनों इस रेस में पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद ये छुप छुपा के मिलना जुलना हमेशा के लिए बंद। जैसा कहोगी हम एकदम वैसा करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ही रखना होगा। रागिनी, फिर से पैसे क्यों दे रही हो? अरे तुम सासू मैया को नहीं जानी हो अभी तक? वो ये मुकाबला ना हमारे फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे नुकसान के लिए दिए हैं। उनको हमारी जीत से कोनो मतलब नहीं, बता रहे तुम्हें, उनको मतलब है ना तो सिर्फ तुम्हारी हार से। इसीलिए तुम ये पैसा रखो और सासू मैया को किराया दो, और उसके बाद निश्चिंत हो के हम और मिस्टर जी इस रेस में भाग लेंगे। क्यों मिस्टर जी? लो रखो। रागिनी, सासू माँ ने कहा था कि हम खुद पैसे कमा के उन्हें देंगे, और हम भी यही चाहते हैं। सृष्टि, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आप समझ नहीं रहे अनुराग जी। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे रास्ते की रोशनी बने, हमारा सहारा नहीं। आप प्लीज हम पर और विशु जी पर भरोसा रखिए। सृष्टि, हमें ना तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, सच्ची। और तुम एक बात नहीं समझ रही हो कि ये जो हमें मौका मिला है इसमें दोनों का काम आसानी से हो जाएगा ना। हम वो रेस जीत के सासू मैया का दिल जीत सकते हैं, और तुम्हें पैसा लेके सासू मैया को दे सकती हो। ये कॉम्पिटिशन है रागिनी, कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कोई बाहर वाला जीत जाए। अच्छा बस, हम चाहेंगे कि हम इस चीज पर बात ना करें, क्योंकि तुम जानती हो कि हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सृष्टि, लेकिन अब कुछ नहीं रागिनी, हम दोनों अब इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे, और तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके सासू माँ के दिल में जगह बनाओगी, और हम इस घर में, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम मैदान में हमें कड़ी टक्कर दोगी। रागिनी, ट्रॉफी चाहे जिसे भी मिले, लेकिन जीत हमारी ही होगी। रागिनी, आई थिंक सृष्टि सही कह रही है। ठीक है, अब आप दोनों को यही सही लगता है तो फिर यही सही। सृष्टि, हम इससे पहले भी बहुत बार ना निशाने लगाने के मुकाबले में भाग लिए हैं और जीते भी हैं, लेकिन पता नहीं
इस बार तुम सामने हो ना तो हमें हारने का मन कर रहा है। दोबारा ऐसे कभी नहीं कहोगी। रागिनी, तुम्हारी ये कमजोरी हमें कायर बना देगी। हम ये लड़ाई सच्चे मन से लड़कर जीतना चाहते हैं। ऐसा बात है तो फिर ठीक है, हो जाओ तैयार रागिनी सिंह के साथ मुकाबले करने का। मिलाओ हाथ। तैयार। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों को हमारा मतलब है कि हो सकता है आप दोनों को गेम की स्ट्रैटेजी बनानी हो, कुछ गेम प्लान करना हो, यू नो। बहुत जरूरी प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी। आई मीन हाँ, हम प्लानिंग करते हैं। हम जाए। और हाँ सृष्टि, दरवाजा बंद कर दो, टॉप सीक्रेट है ना, कोई सुन ना ले। आप खुद कर लीजिए, हम जा रहे हैं। सारा सामान रखा है हमने इसमें। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? देख कर ही चल सकती का? मरखंडी गाय हो गई हो का तुम? हम देख रहे हैं, जब से हम इस घर में आए हैं ना, तब से हमारे मामले में टांग पे टांग अड़ाती रहती हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमारी प्रॉब्लम क्या है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। ठीक है, तुमसे मतलब ई हमरा वो बूटी सीक्रेट है। वैसे भी ना हम वो केमिकल नहीं थोपते हैं तुम लोगों की तरह। हाँ, और एक बात, हमारी चीज को ना हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना। हाँ बोलेंगे, मना कर देंगे। हाँ बोलेंगे, मना कर देंगे। कहाँ कर रही हो है? अभी ना कमरे का सफाई करवाया और फिर से गंदा कर रही हो। भाई हम गंदा उंदा नहीं कर रहे, हम तो ये पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि अनुराग बबुआ बड़की भौजी के साथ ये दौड़ में शामिल होंगे कि नहीं। वो कहा है कि कहने के लिए तो तुम कह दी हो, बाकी हमको लगता है ना, जो हिसाब से आजकल घर का ही रहन सहन है, अनुराग बबुआ का कोनो तुम्हारा बात नहीं मान रहा है। कोनो माने ना माने, लेकिन अनुराग जो है वो हमारा बात मानेगा। अबका तब तो बहुत मजा आएगा। आज तीन गो जोड़ी दौड़ेगा, बाकी जीतेगा कौन ही देखना रहेगा कि नहीं। तीन नहीं दुलारिया, दुई। कहा है कि रज्जो सना हमको कोनो खतरा नहीं है। अरे वो चाहे जितना हाथ पैर मार ले, देवर जी का उम्र के सामने उसका कोनो खेल ना चलेगा नहीं। अरे इतना वर्जिस के बाद भी ना चार सीढ़ी चढ़कर जो है देवर जी हाँप जाते हैं, ये मुकाबला ना वो लोग जीतने से रहे। हमको खतरा है कानून वाली से, और उसको रोकने के लिए ना हमको रागिनी को लाना पड़ा। हम जो है ना दुलरिया, कांटे से कांटा निकाल रहे हैं, बाद में कांटा जो है वो फेंक देंगे। अब तुम कहोगी तो हो ही जाएगा। अच्छा अनुराग बबुआ तुम्हारे कहने से ब्याह कर सकते हैं तो दौड़ का काहे दौड़ जाएंगे। माँ, ये आपकी लाडली बहू क्या कह रही है? मैं किसी रेस वेस में हिस्सा नहीं लेने वाला, और वो भी जाहिल के साथ। इम्पॉसिबल। किन बेटा हुआ हम? बाकी अनुराग बबुआ कहा है कि पूरा ना पूरे गाँव में बता दिए कि आप दोनों हिस्सा ले रहे हैं। माँ, किससे पूछकर आपने पूरे गांव में ये बता दिया कि मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ? क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमको लगा कि तुम हमारा ना कोनो बात टालोगे नहीं, इसलिए हम कोनो बात नहीं। अगर तुम दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो तुम्हारा मर्जी का बात है, हम देख लेंगे क्या करना है। अरे माँ, मैंने आपकी बात कभी आज तक टाली है क्या? नहीं ना, कभी नहीं किया है। अगर आप चाहती थी कि मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूँ तो आप मुझे डायरेक्ट बोल देती ना। उसके मुंह से एकदम से सुना बहुत अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपने कहा है ना, अब मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। अरे वाह बेटा, हमको मालूम था तुम हमारा बात नहीं ना टालोगे है। तो तुम एक काम करो, तुम जी जान से मेहनत करो और किसी भी हाल में ना ये रेस पर जीत के दिखा दो है बेटा।
एक बार तुम ये रेस जीत गए ना, फिर देखना वो रागिनी को कैसा हम मक्खी के जैसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं। चिंता मत कीजिए, आपका बेटा जरूर जीतेगा। सॉरी, इस नाटक के लिए हम दोनों इस रेस में भाग भी लेंगे और आपका दिल भी जीतेगी रागिनी।